डिप्रेशन से परेशान है तो अपनाएं ये 8 उपाय, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं। आज करीब करीब आबादी में 100 में से 10 से 15 लोगों को एक तो एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मतलब निराशा है, फोबिया है, नहीं तो ओसीडी है, और बार बार विचार आते रहते हैं। काफी सारी समस्याएं लोगों को है। 10 से 15% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और काफी लोग हमारे पास में आते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई ये डिप्रेशन हो रहा है, इसका इलाज बताओ, नर्वसनेस है, निराशा है, रोना आता है लोगों को, और सब कुछ है मगर परेशान है। लोग बोलते हैं सब कुछ है मगर शांति नहीं है, मन को पैसा है, लोग है, मगर शांति नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको घर के लोग टॉन्ट मारते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उससे हमारी शांति निकल जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, ऐसा लगता है कुछ तो भी कमी है, और फिर निराशा डिप्रेशन आते रहता है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन आ गया तो क्या करें। नंबर एक, यदि डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस है, डिप्रेशन मतलब निराशा बहुत ज्यादा है, तो आपने तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेनी है और डॉक्टर के तरफ जाके दवाई लेना है। यदि इतनी दवाई लेने की जरूरत नहीं है या इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं है तो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ले सकते हो। उसका मतलब यह है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यह देखा जाता है कि भाई क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, डिप्रेशन के पीछे ये कारण वास्तव है कि अवास्तव है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सीबीटी में पूरी डिटेल इसकी हिस्ट्री होती है और जानकारी ली जाती है और फिर मार्गदर्शन किया जाता है डिप्रेशन के लिए। तीसरा है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस आप करते हैं स्व सम्मोहन तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है, मन को खुशी आती है, शांति आती है, और कितना भी डिप्रेशन रहा तो भी अच्छा लगता है, तो सेल्फ हिप्नोसिस करो। चौथा है रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्रेन में एंडोर्फिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है और उससे डिप्रेशन ठीक होने में बहुत अच्छी मदद होती है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करो। पांचवा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना है, और मेडिटेट जब आप करते हो तो सांस के ऊपर ध्यान रखो, सांस अंदर जा रही है तो बहुत ऊर्जा लेकर अंदर जा रही है, पॉजिटिविटी लेकर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है तो निगेटिविटी बाहर डाल रही है और पूरी गंदगी बाहर डाल रही है, ऐसा इमेजिन करो। छठवां, डिप्रेशन के लिए नींद होना जरूरी है, 6 से 8 घंटे आपको नींद लेना है, और नींद आती नहीं ऐसा लोग बोलते हैं तभी ठीक है, आपने मोबाइल स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं करना है। मोबाइल स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे, यूट्यूब देख रहे, इंस्टाग्राम चालू है, फिर उसे तो नींद आएगी भी नहीं। तो आपके बेडरूम में टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, 6 से 8 घंटे की नींद लो, डिप्रेशन में बहुत फायदा हो जाए। फिर है नेक्स्ट सोशल होना। क्या होता है कि डिप्रेशन में लोग बोलते नहीं नहीं मुझे ना कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, घर में रहना पड़ता है, ऐसा लगता है कि घर में रहो, बाहर आना नहीं, जाना नहीं, किससे मिलना नहीं। मैं बोलता हूँ उससे ट्रीटमेंट नहीं होगी, आपको जबरदस्ती बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, और लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो करो, अपने तरफ से छोटा सा काम भी किया तो भी अच्छा लगता है, लोगों को मिलना जुलना बात करना ऐसा कुछ किया तो अच्छा लगता है, तो आप वो करो। और नंबर 8, अपना पैशन ढूंढो कि आपको कौन से काम करने में मजा आता है। तो भी एक दिन मुझे बोला मुझे है ना मैराथन दौड़ना है, मैं 2 बार दौड़ चुका हूँ और उसमें मजा आता है, मतलब बिल्कुल चालू कर दो, आपका डिप्रेशन ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल दौड़। बोले मेरे को मैराथन दौड़ाने में लोगों मतलब कोच बनने में इंटरेस्ट आता है, मतलब बिल्कुल करो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बोलता है कि मुझे है ना जुम्बा डांस में करता हूँ, डांस सीखता हूँ, डांस करता हूँ, बहुत मजा आता है, मतलब वो करो, जो आपको लगता है वो करो, और पैशन जो आपकी है वही आपकी वही आपका प्रोफेशन बनता है, बहुत अच्छा है, उससे भी डिप्रेशन निकल जाएगा। तो ये बातें आप करते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन में सहायता होगी। नंबर 1, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो दवाइयां लेना है। नंबर 2, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल
मतलब जड़ से डिप्रेशन दूर निकालना, जड़ में देखना है डिप्रेशन क्यों है, निराशा क्यों है। नंबर 3 सम्मोहन उपचार करना है, हिप्नोसिस। नंबर 4 एक्सरसाइज करो, एंडोर्फिन सिक्रीशन बहुत हो जाएगा। नंबर 5 मेडिटेशन करो। नंबर 6 अच्छी नींद लो। नंबर 7 सोशल हो जाओ। और नंबर 8 अपना पैशन ढूंढो और पैशन का काम करो। ये आप करते तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा और आपका डिप्रेशन निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।